जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज सबसे बड़ी जानकारी आप सभी लोग के बीच में हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि हमारे साथ सभी डिफेंस के लड़के लड़कियां जुड़े हैं जिनकी एज 16 साल से लेके 25 साल, 27 साल, 30 साल के अंतर्गत है, ठीक है। और हालांकि सभी लोग चाहते हैं, वैकेंसियों का वेट कर रहे हैं और भर्ती होना चाहते हैं, खासतौर से स्टेट पुलिस हो गया, चाहे सेंट्रल की भर्ती हो गई, आर्मी हो गया, चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती हो गई, ठीक है, चाहे SSC में आपकी GD की वैकेंसी हो गई, ठीक है, और नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इसकी सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और जितने भी लड़के तैयारी करते हैं, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, उनके लिए सबसे अच्छा मैसेज मैं लेके आ चुका हूं। और अपनी आप तैयारी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कम से कम आपके सपनों को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होगी, यानी उसे थोड़ा पुशअप करने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है अभी तक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैंने ये फॉर्म फिल किया है। उसे देखते हुए, उसको नजर में रखते हुए आपको जानकारी दी जाएगी, PDF, फ्री मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, लाइव टेस्ट, सब उसी के मद्देनजर आपको कराया जाएगा, ठीक है। किसी ने MTS का भरा होगा, MTS का बता देगा, किसी ने अगर BSF कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का डाला होगा तो वो बता देगा, कोई पुलिस का डालने वाला होगा वो बता देगा, किसी ने उत्तराखंड का डालना होगा या कोई लड़का UP स्टेट पुलिस की भी डालना चाहता है, आने वाली है। और आपको पता है कि अभी सेंट्रल के आर्मी की वैकेंसी, जो हमारे ज्यादा यूजर जुड़े हैं, आर्मी की वैकेंसी रुकी है, तो उस पे अभी आप लोग को अपडेट मिलती रहती है, रूल्स वगैरह की वीडियो मिलती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हो। हालांकि सभी लोगों को एक माहौल की आवश्यकता होती है, रेयर केस में ही जो माहौल में नहीं रहता है वो अपने सपनों को अचीव कर पाता है, क्योंकि उसके पास मजबूरी होती है। और एक मजबूरी जो आपको पीछे की तरफ से धक्का देती है जिंदगी में कुछ आगे करने की। तो आजकल में हम लोगों में एक बड़ी लापरवाही होती है कि मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं जब तक हमें पीछे से कोई धक्का नहीं देता है, कोई फोर्स नहीं करता है, जब तक कोई बोलता नहीं है या जब तक हम कोई माहौल नहीं पाते हैं तब तक कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अभी एक जो आगामी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। और मैं सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप हर एक एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें पता करना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसकी परीक्षाएं कितने साल से हो रही हैं, उसके पेपर कैसे आ रहे हैं, पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या उसमें माइनस मार्किंग होता है, उसमें समय कितना मिलता है, सारी बातों को ध्यान रखा जाता है अगर एग्जाम क्लियर करना है। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कोई लड़का सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो सबसे पहले एक दिन तो वो ये स्टडी करता है कि UPSC है क्या, UPSC की पूरी नॉलेज वो कलेक्ट करता है, उसके बाद तो उसकी तैयारी में लगता है। तो उसी प्रकार से अभी एक एग्जाम की कुछ लड़के कमेंट किए थे कि BSF कॉन्स्टेबल का एग्जाम आने वाला है, इस पे कुछ आप हमें बताइए। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, अगर वो अपना मान ले तो, ठीक है। तो हमारे सामने एक किताब है चुप्सु पब्लिकेशन की, BSF कॉन्स्टेबल की गाइड बुक और प्रैक्टिस है, जो हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। इसका मैंने लिंक मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। इस बुक के अंतर्गत क्या देखने को मिला है और आप लोग की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। आप कोचिंग करते हैं तो बहुत बेटर है, कोचिंग करते हैं, घर पे आके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आधे घंटे भी देते हैं, एक घंटे भी देते हैं, तो आपका जो थोड़ा टाइमिंग होती है स्पीड बढ़ जाती है। आज की डेट में ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आज की डेट में जरूरी ये है कि आप कितने समय में पढ़ रहे हैं, मतलब कितने समय के अंतर्गत उस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई एक टॉपिक मैंने ले लिया, जैसे मैंने मान लो ये तो गाइड बुक है तो इसमें सब कुछ दिया है, मान लो मैंने इसमें कोई टॉपिक ले लिया आपका जनरल नॉलेज या जनरल साइंस या करेंट अफेयर, इसमें दिया गया है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस है और अवेयरनेस भी है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, मतलब गाइड बुक में तो सब कुछ शामिल हो जाता है, जनरल साइंस, मैथ भी है, सारे चैप्टर है, इंग्लिश है, हिंदी है और 2021 के सारे करेंट अफेयर हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, नए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, भारतीय इतिहास और संस्कृति, मतलब सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने आप को एक मेजरमेंट करना है कि मैं आधे घंटे जब पढ़ने के लिए बैठता हूं तो क्या मेरा फोकस जो है आधे घंटे उसी पे रहता है या मोबाइल पे चला जाता है या किसी के मैसेज पे चला जाता है या घर वाले किसी काम के लिए बुला देते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो, फोन घर में कोई बुला दिया उसे नेग्लेक्ट करो, थोड़ा एक शांति वाले माहौल में ना जब आप आधे घंटे दे रहे हो, 20 मिनट दे रहे हो, तो कंप्लीट उस प्रैक्टिस सेट को, उस बुक को जब तक आप नहीं सौंपोगे अपना पूरा
हृदय से अपना टाइम, तब तक वो बुक आपके अंदर इमेज नहीं बनेगा। किसी भी चीज को व्यक्ति पढ़ता रहता है तो पीछे इमेज अगर डिस्कवर होती रहती है, बनती रहती है, तो उसके दिमाग में जल्दी से वो रिसाइकिल हो जाती है, पड़ी रहती है रिसाइकिल बिन में। जैसे आप मोबाइल में ले लो, कुछ भी फोटो क्लिक करते हो, डिलीट कर देते हो, तो रिसाइकिल बिन में वो पड़ी रहती है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से पढ़ो कि जब भी पढ़ते हो और पढ़ने के बाद कोई दूसरा काम करते हो तो आपके रिसाइकिल बिन में बनी रहे, कि आप जब पीछे जाओ और सोचो तो वो आपको वापिस याद आ जाए, ताकि आपको एग्जाम में निकालने में मदद हो। तो आज की ये जो जानकारी थी सिर्फ आप लोग के तैयारी को और बेहतरीन बनाने को लेकर थी, ठीक है। ताकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोचिंग करके आते होंगे, मान लो आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में गए कोचिंग करके आए, प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य है। और हाँ, अपने आप को संडे एक ऐसा दिन निकालो जो आपका दिन हो, उस टाइम कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन और जो वीक के 6 दिन है आप अपने ध्यान लगाएंगे तो मात्र 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल भर। 2 साल में तो लड़के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो ये छोटे मोटे जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं डिफेंस में, या सीडीएस एनडीएस का, अब अपर लेवल पे जाएंगे तो इसके लिए भी ज्यादा जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, अभी ये स्टेट जो कंडक्ट कराता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है, उन एग्जामों को निकालने के लिए 6 महीने और साल भर काफी होता है, अगर आप दिलो जान से मेहनत करें तो। लेकिन एक्सक्यूज हमारे पास बहुत होता है कि स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, माहौल नहीं मिल रहा है, घर वाले पैसे कोचिंग को लेके नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारा एक्सक्यूज होता है जो आप अपने दिमाग को देते हैं, अपने आप को देते हैं, इसलिए आपका एग्जाम नहीं निकल पाता है। और अपने आप में डिसकंटिन्यूटी को आप कायम रखते हैं, यानी किसी काम को लगातार नहीं करते हैं, ये भी एक मेन कारण है कि आपका एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो का मोरल यही है कि डिसकंटिन्यूटी को आपको खत्म करना है, और 20 मिनट 10 मिनट ही पढ़ो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उस पर बनाओ, डाइवर्ट नहीं होना है बीच में, ठीक है। ये कहावत है ना, आप डेली अगर एक काम करते हो, न्यूटन का लॉ भी है, किसी चीज को आप पुश करते हो तो थोड़ा मोशन करके आगे जाती है। तो अगर आप डेली एक कंटिन्यूटी अपने अंदर बनाते रहते हैं तो आपको एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हाल ही में एग्जाम पढ़ने वाला है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का, इसका गाइड बुक, प्रैक्टिस सेट भी है जो बहुत सस्ती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहां से आप जाके ले सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ अच्छी जानकारी के साथ।